2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगभग सभी पार्टियां जुट गई हैं। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दल के आलाकमान एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं गोड़ा की लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष की प्रमुख दो पार्टी कांग्रेस और जेवीएम के नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर विपक्ष में बिखराव के संकेत दे रहे हैं। गोड़ा से कांग्रेस के सांसद रहे फुरकान अंसारी ने कहा कि आगामी चुनाव में गठबंधन तो होगी, मगर कांग्रेस गोड़ा की लोकसभा सीट पर चुनाव जरूर लड़ेगी। गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए और ये निर्णय ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है, लेकिन अब देखिए क्या होता है, लेकिन गठबंधन होना है। जेवीएम भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है, जेएमएम भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। हाँ, सब लोग अपनी अपनी तैयारी करें, जब गठबंधन तय हो जाएगा कि इस सीट में कौन लड़ रहा है, सबको मिल के ही करें। ठीक है, अब यहाँ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये तय तो हम नहीं कर सकते, लेकिन गोड्डा से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी ये तय है। तो वही जेवीएम के विधायक प्रदीप यादव ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। यादव ने कहा कि गोड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी को परास्त करना है तो झाविमो की तरफ लोगों की पहली रुझान है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे का निर्णय सभी घटक दलों के शीर्ष नेताओं को लेना है। हमारी पार्टी अपनी तैयारी के बारे में आपको स्पष्ट कह सकता है कि हम सब लोकसभा की तैयारी में, और मेरा प्रयास यह भी है कि तमाम जो धर्मनिरपेक्ष दल है, जो उनके ऑथराइज्ड पर्सन है, उन तमाम लोगों से हम सबकी बात हो रही है कि भाई जिन सीटों को जो बेहतर तरीके से आसानी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं, ऐसे लोगों को सामने लाइए। और जो हम सबों का एसेसमेंट है, हम सबों ने जो अनुमान किया है अब तक जनता के रुझान से कि झारखंड विकास मोर्चा गोड्डा में अगर समझौते के तहत तमाम दलों को लेकर के एक साथ उतरती है तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त होगी, जमानत नहीं बचा पाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी से ही सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गठबंधन हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोड़ा से बीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।